क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। जिलाध्यक्ष सिया शरण ठाकुर का असमय निधन, कार्यकर्ताओं और नेताओं में दौड़ी शोक की लहर। शव पुलिस जुटी मामले की जांच में। शासन का कहर, शराब की बोतलों के साथ 2 युवक गिरफ्तार। नहर में गिरने से 1 बच्चे की मौत, बच्चे की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। अग्निशमन सेवा विभाग ने किया नुक्कड़ नाटक का आयोजन, आग से बचाव को लेकर लोगों को किया जागरूक। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। खबर नालंदा से है, जहां जदयू के कद्दावर नेता और जिले के अध्यक्ष का पद के 4 बार कमान संभालने वाले जिला अध्यक्ष सिया शरण ठाकुर के असमय निधन से जिले के कार्यकर्ताओं और नेताओं में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं उनके निधन की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छुटकी धावा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर परिवार के सदस्य से मिलकर संवेदना व्यक्त किया। खबर बेतिया के नरकटियागंज से है, जहां नगर के मालवाड़ी मोहल्ला में एक युवक के घर की खिड़की पर अर्धनग्न अवस्था में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। वहीं शव मिलने से की खबर सुनते ही स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे शिकारपुर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जाँच पड़ताल में जुटी। खबर नालंदा से है, जहां नालंदा जिला अंतर्गत दीपनगर थाना क्षेत्र के विज बनपर गांव के समीप चुनावी रंजिश को लेकर गोप ट्रांसपोर्ट कंपनी के बस के शीशे तोड़ दिए, जिसके बाद समय रहते बस पर सवार यात्री बस से उतरकर अपनी जान बचाई। वहीं इस मामले में दीपनगर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि इस मामले में बस मालिक के द्वारा आवेदन दिया गया है। बता दें, पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां मझौलिया में विशेष अभियान के तहत की गई छापेमारी में पुलिस ने विदेशी शराब की बोतलों के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस की कार्रवाई के बाद मझौलिया में शराब कारोबारियों और तस्करों में हड़कंप मच गया। बता दें, इस पूरे मामले में इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने जानकारी दी है।
खबर रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन से है, जहां 10 वर्षीय हरिओम की नहर में पैर फिसलने से मौत हो गई। वहीं इस घटना के बारे में लोगों ने बताया कि बच्चा बेर तोड़ने के क्रम में नहर के नजदीक आया था और पैर फिसलने से नहर में गिर गया और मौके पर बच्चे की मौत हो गई। बता दें, बच्चे की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। खबर नालंदा से है, जहां कराए पर सुराय प्रखंड स्थित डियाव पंचायत के 84 गांव में 20 साल से 9 वर्ष के मौके पर राड़ावत खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें फुटबॉल, साइकिल रेस, कबड्डी और दौड़ सहित विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाता है। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जन अधिकार युवा परिषद प्रदेश अध्यक्ष ने खेल का विधिवत शुभारंभ किया और उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के दौर में शिक्षा के साथ खेलकूद में भी करियर बना सकते हैं। खबर नालंदा से है, जहां सोसराय थाना क्षेत्र के जलालपुर मोहल्ले में न्यू ईयर के मौके पर पटना से बुलाकर नर्तकियों के साथ नशे की हालत में जश्न मनाते 8 युवक और 2 युवती को पुलिस ने गिरफ्तार किया और पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से शराब की बोतल भी बरामद किया। बता दें, पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। बिहार अग्निशमन सेवा विभाग की ओर से आग से बचाव को लेकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जानकारी दी गई। इस दौरान अग्निशमन पदाधिकारी राम अवध सिंह के नेतृत्व में फुलवरिया डैम हरदिया सेक्टर सी व रजौरी बाजार में लोगों को जागरूक किया गया। वहीं अग्निशमन पदाधिकारी ने बताया कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आगजनी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने को लेकर भीड़ भाड़ वाले स्थान पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है। खबर नवादा से है, जहां चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद सभी घायल परिजनों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अस्पताल में तैनात चिकित्सक ने स्थिति गंभीर देखते हुए घायलों को सदर अस्पताल रेफर कर दिया। मुखिया जी साथ में और 8-10 आदमी थे, सब मिल के शाम को इनको छेक करके मारा। इसमें 4 आदमी को मारपीट हुआ, एक मुंशी मातो, दूसरा गिरजा मातो, तीसरा अजीत कुमार, चौथा भुवनेश्वर मातो। क्या कारण क्या था? कारण था सर, चुनावी इलेक्शन के वजह से उसी दिन से विवाद इनके साथ था, और कोई विवाद नहीं, जमीन विवाद भी नहीं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दावपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक, सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर सहरसा से है जहां पिताजी की पुण्यतिथि पर लोजपा नेता ने गरीब निसहाय व जरूर लोगों के बीच कंबल बांटा। इस कंबल वितरण कार्यक्रम में लोजपा के जिला अध्यक्ष महिंदर शर्मा और लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष नरेश गुप्ता व संतोष कुमार सहित लोजपा के कई नेता मौजूद रहे। उनके स्मारक का अति किया गया, लोकार्पण किया गया, उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने गरीब गुरबों के बीच कंबल का वितरण किया। महेंद्र शर्मा पापा का स्मारक का ओपनिंग भी था और उसके बाद हमारे जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी का सपना है कि गरीब मसीहा दलितों कुचले हुए को ध्यान रखना है, इसलिए इनके बीच में हमको कम्बल बाँट करके उसका कम से कम जो सपना को साकार करना मेरा खास उद्देश्य है और मैं चाहता भी हूं कि उनके खबर बेतिया से है जहां बेतिया मुख्य मार्ग पर सड़क दुर्घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको आनन फानन में अनुमंडलीय अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायलों का इलाज शुरू किया। बता दें पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। रोड के दाहिने साइड पेड़ है, उसी में जाके ठोकर मार दिया, जिसमें गंभीर रूप से सब घायल हैं। ग्रामीणों के सहयोग से इन लोग को शिकारपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। खबर बेतिया से है जहां नरकटियागंज में लगातार चोरी छिपे हरे पेड़ की कटाई करने का मामला सामने आया है। वन विभाग की शिथिलता की वजह से पर्यावरण पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। हालांकि पेड़ की कटाई किसने की इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन आए दिन सड़क के किनारे लगे हरे पेड़ की कटाई होने के बावजूद विभाग को भनक तक नहीं लगी है। वहीं जब इस संदर्भ में वन विभाग के डीएफओ से पूछताछ किया गया तो डीएफओ ने बताया कि मामले की सूचना मिल चुकी है और जल्दी ही मामले में कार्रवाई की जाएगी। खबर बेतिया से है जहां पिकनिक मनाने की तैयारी को लेकर बच्चों व महिलाओं में खास उत्साह रहा, जबकि जंगल क्षेत्र के अंदर पिकनिक मनाने पर प्रतिबंध लगाने से लोगों की खुशी अधूरी रही। बता दें नेपाल सीमा के ठोरी लौरिया नंदगढ़ रामनगर और नरकटियागंज मार्ग में चानकीगढ़ आदि जगहों पर पिकनिक मनाने वाले लोगों की भारी संख्या में भीड़ देखी गई। लोगों में पिकनिक मनाने का उत्साह देखा गया, भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है जहां नववर्ष 2023 के अवसर पर सामाजिक विकास संगठन द्वारा नीलकंठ नर्वदेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आध्यात्मिक दिवस मनाया गया और कार्यक्रम का संचालन संस्था के अध्यक्ष बेचू यादव ने किया और इस कार्यक्रम में विधिक धर्मों के ज्ञाताओं ने मंदिरा मांस भक्षण के खिलाफ अपना प्रवचन दिया। बता दें इस दौरान उपस्थित सैकड़ों श्रद्धालुओं के बीच शुद्ध शाकाहारी प्रसाद का वितरण भी किया गया। एकता में एकता का भाव और मानव धर्म
का पालन हमारे जीवन में होना चाहिए। नदियाँ एक घाट बहुत तेरे, कह कबीर समझ के फेरे, प्रभु एक हैं उनको भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। और उस मतभेद को दूर करने के लिए सर्वधर्म समन्वय का यह कार्यक्रम। नववर्ष के अवसर पर शंकर चौक पर सब्जी बाजार व्यवसायी संघ की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। विशाल भंडारे में लोगों के बीच पूरी सब्जी और बुनिया का वितरण किया गया, जहां सुबह से ही लोगों ने कतारबद्ध होकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं मौके पर योगेश कुमार भगत ने बताया कि नववर्ष के अवसर पर व्यवसाय संघ के द्वारा हर वर्ष भंडारे का आयोजन किया जाता है और मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी महाप्रसाद का भी वितरण किया जाता है। मैं हम लोग दुर्गा स्थान में मनाते थे, इस बार जो है हम लोग शंकर चौक पर मनाने का काम किए और व्यापार संघ की ओर से यह सवेरे में पूरी सब्जी और बुनिया का आयोजन किया गया, उसके बाद खिचड़ी का आयोजन किया गया। मैं योगेश कुमार भगत पूर्व टोपी वाला, और आगे भी जनता का प्यार सबका आशीर्वाद मिला तो हम लोग करते रहेंगे। और आगामी हमारे 14 जनवरी को फिर शेरवाली दरबार सब्जी बाजार में खिचड़ी का आयोजन हर साल होता है, और सुबह से हम लोग का नाश्ता कर 9 बजे से लेकर 12 बजे तक पूरी पूरी सब्जी चला, और 12 बजे तक हम लोग कार्यक्रम खिचड़ी का आयोजन किए थे और शाम तक ही चलता रहेगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नवीन कुमार सिंह, सब्जी बाजार संघ अध्यक्ष। बिहार की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।